हेलो एवरीवन, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेज 221 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द रेजिस्टर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो क्या क्या गिवेन है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस गिवेन है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पता है 2.5 मिली एम्पीयर। अब यहाँ देखो मिली एम्पीयर, 1 मिली एम्पीयर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पीयर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एम्पीयर में, एसआई यूनिट में। सो यहाँ पे ये बन जाएगा करंट आई इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पीयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। ओम्स लॉ यूज करें, यूजिंग ओम्स लॉ वी equals to IR, so V का वैल्यू पुट कर देंगे 12 वोल्ट इज इक्वल टू I का वैल्यू पुट कर देंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देंगे R, तो R का वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसे हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.5, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यूनिट हो जाएगा ओम्स। कैलकुलेट करने पे आंसर मिलेगा 4.8। किलो ओम में आंसर ये गिवेन है यहाँ पे, तुम ओम्स में भी आंसर निकाल सकते हो। एक सेकंड देना, कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ से 2.5 से ये जो वैल्यू है 2.5, यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 120 और डिवाइड कर देंगे हम इसमें 25 तो आ जाएगा 4.8। ठीक है, जब इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स। ये वैल्यू आएगा 10 टू द पावर 3 ओम्स को लिख सकते हैं किलो ओम्स, या तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम लिखो या फिर 4.8 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ओम, ये कन्वर्जन। तो ये आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, समझा ना इसको क्या किए, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो ऊपर शिफ्ट होगा, हटा दो डेसिमल। ठीक है, ये एक जीरो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा 4.8 और ये 10 टू द पावर 3 ऐसे ही रह जाएगा, तो आंसर आएगा 4.8। या तो इतना ओम्स लिखो या फिर 10 टू द पावर 3 को कन्वर्ट कर दो किलो ओम्स में, सो 4.8 किलो ओम्स तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हलवा सा क्वेश्चन था ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है हमसे। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स, अच्छा रेजिस्टर्स गिवेन है हमें 0.2 ओम, 0.3, 0.5 एंड 12, 0.3, 0.4, 0.5 ओम एंड 12 ओम, 1, 2, 3, 4, 5, पांच रेजिस्टर्स हैं हमारे पास और बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, पोटेंशियल इज 9 वोल्ट। इसी 9 वोल्ट के बैटरी से इन सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये सारा रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं सिंपली सीरीज में, तो सीरीज कनेक्शन देख लो, यहाँ पे पांच रेजिस्टर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला रेजिस्टर ये, सेकंड रेजिस्टर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है नाइन वोल्ट की बैटरी से सीरीज में, 9 वोल्ट सीरीज में कनेक्ट हो गया। ये सारे रेजिस्टर्स का रीडिंग देखेंगे, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम, ये है वैल्यूज़। ठीक,
पूछ रहा है कि 12 ओम रेजिस्टर में, इस रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा। तो भाई आपको पता है सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है, डिवीजन होता नहीं है करंट का, कोई रास्ता मिलता नहीं है करंट को, एक ही रास्ता है, करंट इसी रास्ते से फ्लो करेगा। तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, सेम करंट इसमें, सेम करंट इसमें, और करंट घूम करके वापस बैटरी में उतना ही चला जाता है। तो 12 ओम रेजिस्टर में, इस रेजिस्टर में करंट आई ही फ्लो करेगा, कोई दूसरा करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें सिंपली निकालना है करंट आई का वैल्यू। अब करंट आई का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर देंगे, 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12 ओम्स, इन सबको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगा इन सब का 13.4 ओम। हमें चाहिए करंट का वैल्यू, तो ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, वी इक्वल्स टू आई आर, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट, करंट आई का वैल्यू चाहिए हमें, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 13.4, ठीक है। नाउ देखो I का वैल्यू आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 13.4 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 0.671 एम्पियर। अब देखो पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करके जब हम करंट निकाल रहे हैं तो पूरे सर्किट में हमें ये वैल्यू पता चल गया, करंट इतना फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। अब क्योंकि पूरे सर्किट में ये वैल्यू करंट फ्लो कर रहा है, इस वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है, तो इस रजिस्टर में भी ये करंट फ्लो करेगा, इस रजिस्टर में भी यही करेगा, इस रजिस्टर में भी यही करेगा, मतलब हर एक रजिस्टर में जब हम देखेंगे तो सेम करंट फ्लो करेगा जो करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, चाहे तुम कोई भी रजिस्टर उठा लो, तो इसमें भी करंट उतना ही, इसमें भी उतना ही, उसमें भी उतना ही, इसमें भी सब में इतना ही करंट। देयरफॉर वी नो दैट करंट रिमेंस सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट रिमेंस सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर इज 0.671 एम्पियर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर में, समझ आया होगा आपको, प्लीज़ कॉपी कर लेना, ठीक है। और जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पे डेली एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे 9th और 10th लेवल पे फिजिक्स के, और बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे कराया जाएगा, और डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन के अलावा भी किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो 9th और 10th लेवल में होता है, जैसे NDSC 10th लेवल पे होता है, ठीक है, NSTSC 9th 10th दोनों लेवल पे होता है, ओलंपियाड, या फिर आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो फिजिक्स में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डेली स्टडी मटेरियल इसी तरह यहाँ से अपलोड होता रहता है, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।